हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद राय। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से निफ्टी की एनालिसिस के साथ। तो पहले तो 2 दिन से देखो यार, निफ्टी ऐसे बुलिश पैटर्न बना के बार बार ऊपर जा रहा है। पिछले 2 दिन से फ्राइडे का यही पैटर्न था, मंडे का यही पैटर्न था। कल हमने बात की थी कि ट्रेड नहीं लेंगे जब तक इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाती हमें। यहाँ पे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ कोई क्लोजिंग आई नहीं, यहाँ पे इस लाइन के नीचे आया था पर वापस ऊपर चला गया, रिवर्सल मिल गई। वही है फिर एट द एंड ऑफ द ट्रेड, ट्रेड मिली थी पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। जिनको स्कैल्पिंग करनी थी उनके लिए तो बढ़िया है, छोटा टारगेट, अच्छा खासा टारगेट छोटा में मिल गया होगा। ये था हमारा 50 पॉइंट का टारगेट, स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया था आज। बट ऐसा जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना, ऊपर का टारगेट मिला ना नीचे का टारगेट मिला, अभी भी इनडिसाइसिव सी है निफ्टी। वीकली चार्ट पे कल बताया था कि वैसे बुलिश हरामी कैंडल बनाया है, फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये बुलिश हरामी कैंडल बनाया है, 100 EMA का सपोर्ट लिया है और फिर ये हैंगिंग बैंड पैटर्न बनाया है। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है और ये कमिंग वीक देखते हैं क्या होना है। आज थोड़ा मार्केट इसलिए भी वॉलेटाइल थी क्योंकि ग्लोबल मार्केट US की मार्केट बंद थी, तो थोड़ा सा डिसाइसिवनेस रहता है। मंडे को उठा के देख लेना, मतलब हर मंडे को कभी ना कभी देखोगे तो वॉलेटाइल सा ही रहता है सेशन। जैसे ये वाला मंडे देख लो, और भी ऐसा ही है, पीछे करके देख लेना। तो अब कल क्या करें, कल के लिए वही है, इस लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हमको नहीं लेंगे कोई ट्रेड, बीच में तो कतई नहीं लेंगे। यहाँ होगा तो भले ही शॉर्ट कर लें एक बार को नीचे के लिए, नीचे का टारगेट लेके, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे निफ्टी में। अभी छोड़ देंगे, खिलवाड़ नहीं करेंगे। स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट्स पे ट्रेड कर सकते हो, छोटा मोटा बीच में डबल टॉप बनाए, डबल बॉटम बनाए, या जैसे ये पैटर्न बना रहा है आज आज और फ्राइडे को जैसे बनाया था उस पर ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जब तक यार स्विंग अभी भी नहीं क्रॉस करता तब तक कोई ट्रेड नहीं है। इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं है। ऊपर साइड के लिए 15,900 के ऊपर कोई ट्रेड नहीं है। फिर बैंक निफ्टी में जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, स्टॉप लॉस यहाँ के लेना था, फिर ये टारगेट लेना था। ये टारगेट हमें मिल गया, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि यही डिस्कशन था कि इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती तभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ टारगेट डे एंड में मिला, बहुत देर बाद टारगेट मिला। थोड़ा सा जो शॉर्ट किए होंगे उनको थीटा डीके का फ़ायदा भी मिला होगा और फिर यहाँ टारगेट हिट हो गया अपना अच्छे से। फिर इंट्राडे के लिए देख लेते हैं कल के क्या स्टॉक्स रहेंगे। एशियन पेंट्स में देखोगे तो जैसे निफ्टी में पैटर्न वैसा ही कुछ इसमें भी है। यहाँ से हम मतलब ये ऊपर जाके गया है, ब्रेकआउट मिला है, फिर रीटेस्ट कर रहा है। कल अगर यहीं से फ्लैट खुलता है तो बाय करेंगे और टारगेट लेंगे अपना। ये हो सकता है भाई खुलते ही तुरंत चला जाए ऊपर, तो ध्यान देना इसका, इसका ध्यान देना पड़ेगा। इसके नीचे चला जाता है तो छोड़ देना, फिर हमें बाय नहीं करना। इसके नीचे जाते ही छोड़ देंगे, बाय नहीं लेंगे फिर। HDFC बैंक में देखोगे, HDFC बैंक ये इस जोन में ट्रेड कर रहा था कुछ दिन से, इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। फिर वहाँ फ्राइडे को क्लोजिंग मिली थी ऊपर लेकिन दोबारा नीचे आ गया था। आज देखोगे तो आज फिर से ये ऐसा पैटर्न बनाया है, यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जस्ट लाइक एशियन पेंट्स और यहाँ पे हमें ऊपर क्लोजिंग मिल गई। तो अगर ये भी कल खुलता है, यही फ्लैट खुलता है तो एंटर करेंगे बाय के लिए, ये टारगेट लेंगे अपना और इसके बाद दूसरा टारगेट ये लेंगे। ठीक, TCS की बात कर लेते हैं। TCS में थोड़ा अनसर्टेनिटी है तो थोड़ा संभल के रहना। TCS प्राइस एक्शन देखो बना रहा है कैसे। TCS यहाँ आया, फिर अपने जो पहला इसका सपोर्ट था अब वो नीचे आने के बाद वो रेजिस्टेंस बन चुका है, तो वहाँ से अब रेजिस्टेंस लिया है और इसके नीचे हमें ट्रेड करना होगा। यहाँ पे इस येलो लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिलती 15 मिनट्स की तो हम ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हम लोग लेंगे ये,
इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो ट्रेड लेंगे स्विंग के नीचे, और पहला टारगेट हम लोग ये लेंगे, दूसरा टारगेट यहाँ यहाँ नहीं रखेंगे, यहीं रखते हैं। और इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो फिर लंबा टारगेट मिलेगा यहाँ तक, ये तीसरा टारगेट। ये जोन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना, अगर इसके नीचे चला जाता है तो जो क्वांटिटी बची ही है उससे ट्रेड करेंगे ना फिर। इसके नीचे ये इस जोन से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना, और यहाँ से जो बची टारगेट होगी उसको यहाँ तक ले आने की कोशिश करेंगे। एक दिन का टारगेट मुश्किल है, हो सकता है ये 2-3 दिन का टारगेट हो, इतना नीचे अचानक से नहीं गिरेगा, क्योंकि निफ्टी आईटी देखोगे तो बॉटम पे अपने कितना ही नीचे जा पाएगी वो, तो इसलिए टीसीएस पे ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। पहला दूसरा टारगेट फिर यहाँ से ट्रेल करेंगे, अगर यहाँ दोबारा आ जाता है तो फिर बुक कर लेंगे बचा हुआ भी। दूसरा देख लो अपडेट है स्विंग का, यहाँ डबल, ये नीचे यहाँ हम अपडेट बताया था स्टॉप लॉस के लिए, डबल बॉटम बना लिया है पर इंडस्ट्रीज, देखते हैं क्या करता है आने वाले समय में, अभी तो बुलिश ही है फिलहाल के लिए, यही स्टॉप लॉस है मेंटेन करके रखना। पीएम इंडस्ट्रीज कल बताया था कि कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छा खासा मतलब सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो उसी के चलते एक उसका प्रॉक्सी प्ले हम लोग ले रहे हैं पीएम इंडस्ट्रीज। पीएम इंडस्ट्रीज में देखोगे तो ये हो चुका है, एंट्री मिल चुकी है हमें, यहाँ ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। वीकली चार्ट पे देखोगे तो अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है। कप एंड हैंडल बना हुआ है, इसको हम लोग बाय कर रहे हैं फिलहाल के लिए, और टारगेट रखेंगे 2200 का। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं कल के एनालिसिस की वीडियो में। ओके बाय।